प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, USFDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग मधुबन उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति, आप देख रहे हैं News 91 राजस्थान। आप सभी को News 91 राजस्थान परिवार की ओर से होली और धुलंडी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गिट्स, योर पाथवे टू ब्राइट फ्यूचर। एक्सपीरियंस अ न्यू एरा इन टेक्निकल एजुकेशन, बिल्डिंग एक्सीलेंस फॉर बिल्डिंग अ फ्यूचर। गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज, एयरपोर्ट रोड, डबोक, उदयपुर, राजस्थान। पिता की हत्या के आरोप में पुत्र गिरफ्तार, सरदर्द से मुक्ति दिलाने के लिए उतार दिया मौत के घाट। होली पर्व की तैयारियों में जुटा शहर, रविवार 11:23 पर होगा होली का दहन, सोमवार को मनाएंगे धुलंडी। ज्वेलरी व्यवसायी से लूट और हत्या मामले में हुए नए खुलासे, दो आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। और 67 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार। मामूली बात पर एक पुत्र द्वारा अपने पिता की हत्या कर उसका शव जमीन में गाड़ देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यही नहीं, आरोपी बेटे ने अपने बाप का शव जहां गाड़ा था वहीं बैठकर 2 दिन तक भोजन करता रहा। मामला डूंगरपुर के कोतवाली थाना का है। पुलिस ने बलवाड़ा पला सामीतेड़ में हुई घटना की खुलासा करते हुए हत्या में आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया ये शख्स अपने ही पिता की हत्या करने के आरोप में पकड़ा गया है। पुलिस थाना कोतवाली मृतक के दूसरे पुत्र प्रकाश पिता राजेश बरंडा ने बलवाड़ा कोतवाली थाने में अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि वो बायड़ गुजरात में कड़िया का काम करता है और उसकी मां गंगा देवी उसके साथ ही रहती है। 20 मार्च को उसे पता चला कि उसके पिताजी कहीं घूम गए हैं। दूसरे दिन सुबह करीब 8 बजे उसने भाई दिनेश के घर जाकर पिता के बारे में पूछा तो कोई पता नहीं चला। इसके बाद वो चुन्नीलाल, अर्जुनलाल, दिनेश, पप्पू पिता के घर पहुंचे, जहां पर भाई चुन्नीलाल मिला। जिसको पिता के बारे में पूछा तो चुन्नीलाल ने बताया कि उसने बाप को मारकर किचन में खाड़ा खोदकर गाड़ दिया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस थाना कोतवाली की टीम ने हत्या का खुलासा करते हुए मौके पर त्वरित कार्रवाई की और महज 24 घंटों में हत्या के आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तफ्तीश में सामने आया कि मजदूरी के लिए गुजरात जाने से पेट दर्द आदि की शिकायत के चलते पिताजी परेशान रहते थे, जिस कारण पिताजी को परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए बकरियों को बांधते समय पीछे से सिर में लकड़ी के पाटिया से वार किया, जिससे पिताजी जमीन पर गिर गए। उसके बाद 3-4 बार और वार कर हत्या कर दी ताकि पिताजी उस सभी कामों और पेट में दर्द की बीमारी से छुटकारा मिल सके। घटना के बाद स्वयं के मकान के रसोई घर की दीवार के सहारे जमीन में खाड़ा खोदकर अंदर दफना दिया। पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है, मामले में तफ्तीश की जा रही है। श्री जी एक्सोटिका और रूप मधुबन प्रोजेक्ट की अपार सफलता के बाद अरिहंत ग्रुप लेकर आए हैं अपना नया प्रोजेक्ट श्री जी एक्सोटिका Phase 2। मॉडर्न एमिनिटीज वाले आलीशान घर, उदयपुर की सबसे प्राइम लोकेशन पर, सेलिब्रेशन मॉल के पीछे, जहां मिलेगी कई मॉडर्न एमिनिटीज जैसे गार्डन, जॉगिंग ट्रैक, किड्स प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल और योगा रूम जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं। लग्जूरियस 2BHK और 3BHK फ्लैट्स की बुकिंग के लिए संपर्क करें श्री जी डेवलपर्स, शोभागपुरा सर्किल के पास, उदयपुर। रंगों का पर्व होली उत्साह और उमंग के साथ मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा रविवार और सोमवार दोनों दिन रहेगी। इस तिथि को बहुत ही खास माना जाता है। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा 24 मार्च को सुबह करीब 9:30 से शुरू होगी और 25 तारीख को दोपहर 12:30 तक रहेगी। होली का दहन 2024 का शुभ समय 11:13 से 12:27 तक है। सोमवार को रंगों का पर्व धुलंडी मनाया जाएगा। फाल्गुन हिंदू पंचांग का आखिरी महीना होता है। इस महीने का आखिरी दिन पूर्णिमा ही होती है। इस दिन तीर्थ स्नान और श्रद्धा के मुताबिक दान देने की परंपरा है। शहर में होलिका दहन के लिए सेमल की लकड़ी और ढूंढोत्सव की लकड़ी बाजार में खूब बिक रही है। ये सेमल की लकड़ियां ग्रामीण इलाकों से आई हैं, जिनकी लंबाई करीब 8 से 12 फीट तक है। बाजार में ये लकड़ियां 700 से 1000 रुपए तक बेची जा रही है। वहीं बाजार में रंग और गुलाल की दुकानें सज गई हैं। रविवार को होली दहन होगा तो सोमवार को धुलंडी पर्व मनाया जाएगा। धुलंडी पर सभी एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर मनाएंगे।
होलिका दहन के लिए दूर दराज गांव से आई सेमर की लकड़ी की खूब बिक्री हुई और चारा ढूंढोत्सव की लकड़ी की भी जमकर बिक्री हुई। बाजारों में दिन भर रौनक नजर आई, कोई रंग गुलाल और पिचकारियां खरीद नजर आया तो कोई खाने पीने की सामग्री लेता दिखा। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 02942429044। उदयपुर में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देते हुए एक ज्वेलरी व्यवसायी की हत्या करने वाले CISF जवान की तनख्वाह सुनकर आप भौचक्के रह जाएंगे। जी हाँ, उस वारदात को अंजाम देने वाले CISF जवान विकास चौधरी की तनख्वाह 70,000 रुपए के आसपास थी। इसके बावजूद इस जवान ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और एक शख्स की मौत का सबब भी बन गया। 80,00,000 रुपए का सोना लूटने वाले बदमाशों को ऑनलाइन गेमिंग की लत थी। इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये CCTV फुटेज उदयपुर में हुई लूट की वारदात का है। 1.5 किलो सोना लूटने के लिए आरोपियों ने ज्वेलरी व्यवसायी अनिल जैन को नीचे गिरा दिया और एक बदमाश उसका मुंह दबाते हुए उन्हें दबोच कर बैठ गया। इसी के चलते दम घुटने से व्यवसायी अनिल जैन की मौत होना बताया जा रहा है। वहीं इस हत्याकांड और लूट की वारदात के दौरान पब्लिक द्वारा दबोचा गया आरोपी CISF का जवान है। आरोपी विकास चौधरी की सैलरी जानकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतनी तनख्वाह होने के बावजूद इसने लूट की वारदात को अंजाम क्यों दिया। एक CISF जवान की महीना की तनख्वाह 40,000 से 70,000 रुपए के बीच होती है। इसके अलावा अलाउंस के रूप में भी उसे 20 से 30,000 रुपए अलग मिलते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस जवान ने ऐसा कदम क्यों उठाया। बताया जा रहा है ऑनलाइन गेम में रुपए हारने के चलते लूट का ये प्लान बनाया गया था। वहीं एक फुटेज सामने आया है। फुटेज में एक बदमाश ज्वेलर के ऊपर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। ज्वेलरी शॉप के मालिक अनिल जैन के ऊपर बदमाश बैठ गया और लूट की वारदात को अंजाम देता गया। ज्वेलर जैन नीचे दबा रहा और लुटेरे सोना निकालते रहे। बहरहाल ज्वेलरी व्यवसायी बचे हुए दोनों आरोपियों को पकड़ने की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस को इस और कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। द स्कॉलर्स अरेना, एन इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्री नर्सरी टू 12th, अफिलियेटेड टू CBSE, वेल इक्विप्ड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड कंप्यूटर लैब अप टू सेकेंड स्टैंडर्ड, नो स्कूल बैग्स, नो होमवर्क, air conditioned pre nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent english, ensure the best english speaking environment, well equipped indoor and outdoor game facility, school also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, New Swami Nagar, 100 feet road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. पुलिस ने एक ट्रक से गेहूं की आड़ में तस्करी करने के मामले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गुजरात पासिंग ट्रक से अवैध अंग्रेजी शराब का जखीरा बरामद किया है। इस शराब की कीमत 66,92,000 के आसपास बताई जा रही है। अवैध शराब और ट्रक को जब्त करते हुए दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। महानिरीक्षक पुलिस रेंज बांसवाड़ा द्वारा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब बरामदगी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में पुलिस अधीक्षक मोनिका सैन के आदेशानुसार आसपुर थानाधिकारी द्वारा ये कार्रवाई की गई। मुखबिर से मिली सूचना और गुप्त सूचनाओं का संकलन करते हुए गोल नदी पुल पर उदयपुर से बांसवाड़ा जाने वाले रोड पर एक संदिग्ध ट्रक को रुकवाकर चेक किया गया तो ट्रक में गेहूं के कट्टों के बीच छुपाकर अवैध रूप से परिवहन की जा रही अलग अलग ब्रांड की अंग्रेजी शराब सेल इन पंजाब और सेल इन राजस्थान के 746 कार्टून रखे हुए थे। ये अवैध अंग्रेजी शराब और ट्रक जब्त करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम अर्जन, पिता कानाभाई कोडियार को गिरफ्तार किया गया। आरोपी 5 तरड़ी थाना भाणवर जिला देवभूमि द्वारका गुजरात का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी अमरा भाई पिता राजा भाई भी 5 तरड़ी थाना भाणवर जिला देवभूमि द्वारका गुजरात का ही रहने वाला है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार नाकाबंदी आसूचना संकलन का कार्य उस अधिकारियों के निर्देशानुसार किया जा रहा था। 2-3 दिन से प्रयास किए जा रहे थे। उसी प्रयास और आसूचना संकलन के मद्देनज़र आज आसपुर CI साहब के निर्देशन में आसपुर थाने की पुलिस टीम ने उदयपुर सलूम्बर रोड पर पुल पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान एक गुजरात पासिंग ट्रक बरामद किया। खलासी और ट्रक चालक को पुलिस ने राउंड अप करके ट्रक की तलाशी ली तो गेहूँ के कट्टों की आड़ में गुजरात
ले जाई जा रही शराब के, अंग्रेजी शराब के अलग अलग ब्रांड के 746 कारकुन बरामद किए हैं। 746 कारकुन में लगभग 6,652.72 लीटर अंग्रेजी शराब है, जिसकी कीमत 66,52,720 रुपये बैठती है। इसी तरह से जो गेहूं के कट्टे हैं वो 100 है, उनकी कीमत भी लगभग 1,80,000 रुपये है, और ट्रक की कीमत पुराना होने से 20,00,000 रुपए है। A1 सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अ लेजेंड इन स्कूल एजुकेशन, को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम विद कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम। स्कूल एम्स एट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management, admission open for nursery to 12th, A1 Senior Secondary School, 1 North Iyer, University Road, Udaipur. भारत में अमेरिका के राजदूत मिस्टर एरिक एम गार्सिटी 2 दिन के उदयपुर प्रवास के बाद फिर दिल्ली प्रस्थान कर गए। इस दौरान उन्होंने कुंभलगढ़ आदि पर्यटन स्थलों का भी दौरा किया। शनिवार दोपहर 3:30 पर उन्हें विदा करने पहुंची पर्यटन अधिकारी शिखा सक्सेना ने इस क्षेत्र की जमकर तारीफ की। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एम्बेसडर एरिक एम गार्सिटी अपने परिवार और अन्य सदस्यों सहित 3 दिवसीय यात्रा पर उदयपुर पहुंचे थे। शनिवार दोपहर वायुयान से दिल्ली के लिए प्रस्थान करते समय उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान उन्होंने पर्यटन अधिकारी से पूछा कि यहाँ ऐसी कोई जगह है जो सुंदर तो हो लेकिन उसके बारे में कम लोग जानते हों। इस पर शिखा सक्सेना ने उन्हें बांसवाड़ा के चाचा कोटा के बारे में जानकारी दी। देखिए 100 टापुओं वाले इस स्थान में चाचा कोटा के नाम से प्रसिद्ध इस स्थान में कितनी खूबसूरती है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने राजसमंद, पाली और उदयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का दौरा किया और यहाँ की कला, संस्कृति और ऐतिहासिक वैभव को देखकर अभिभूत हुए। उन्होंने पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटन स्थलों के उचित रखरखाव, पर्यटकों के लिए सुविधा और सभी स्थानों की सुंदरता की सराहना की। उन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग में लाइट एंड साउंड शो का भी लुत्फ उठाया। प्रस्थान के समय एयरपोर्ट पर पर्यटन विभाग के उप निदेशक शिखा सक्सेना ने राजस्थान पर्यटन विभाग की नोटबुक भेंट की और एम्बेसडर गार्सिटी ने भी उन्हें सोवेनियर भेंट किया। एम्बेसडर एरिक एम गार्सिटी के दल ने उप निदेशक सक्सेना का आभार जताया। US एम्बेसडर अभी उदयपुर में 3 दिवसीय यात्रा पर रहे और आज ही अभी इनको हमने सी ऑफ किया है एयरपोर्ट पर। 3 दिन में इन्होंने कुछ प्लेसेस देखी, जैसे सिटी पैलेस देखा, क्रिस्टल गैलरी देखी और काफ़ी अप्रिशिएट किया यहाँ के हेरिटेज को। इसके अलावा कल हम उन्हें रणकपुर टेम्पल ले गए थे तो वहाँ का जो आर्किटेक्चर है उसको उन्होंने बहुत अमेजिंग और ब्यूटीफुल बताया। इसके बाद उन्होंने कुंभलगढ़ में सेंचुरी देखी, सेंचुरी के लिए उन्होंने बताया कि ये काफ़ी अच्छी कॉम्पैक्ट सेंचुरी है और काफ़ी ग्रीन है। और इसके बाद वो फोर्ट पे गए, फोर्ट का विजिट किया और वहाँ उन्होंने साउंड एंड लाइट शो देखा, यहाँ की हिस्ट्री जानी और मुझसे जो बातें हुई, उन चर्चा हुई उसमें उन्होंने ये भी पूछा अभी कि ऐसी कौन सी प्लेसेस इस एरिया में हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं मालूम है लेकिन वो बहुत सुंदर हैं। तो उसमें मैंने सबसे पहले उनको ये बताया कि बांसवाड़ा में एक चाचा कोटा जगह है जहाँ विभाग ने अभी उसे कुछ काम भी कराया और हमने उसे मानसून डेस्टिनेशन की तरह प्रचारित भी किया है। तो उसकी जो पिक्चर्स हैं उसको देख के उन्होंने कहा रियली में बहुत ब्यूटीफुल हैं और मुझसे ये इंक्वायरी भी की कब ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। तो उनको बताया गया कि सितंबर अक्टूबर में ये काफ़ी अच्छा देखने लायक होता है। इसके अलावा उन्होंने जो यहाँ की जो इको टूरिस्ट साइट्स हैं उनके बारे में जानकारी ली। मेरे द्वारा उनको ये भी बताया गया कि यहाँ पे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी आए हैं, जैसे सफारीज को लेकर के आए हैं, जैसे जो हमारे यहाँ बाइसिकल्स आ रही हैं, जो टैबलेट लेके गाइडेड टूर्स आ रहे हैं, तो नए जो कॉन्सेप्ट उदयपुर में इंट्रोड्यूस हुए हैं उसको मैंने उनको बताया। और जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ उदयपुर G20 शेरपा मीटिंग का डेस्टिनेशन रहा है, तो वो डेस्टिनेशन भी उन्होंने पर्टिकुलरली देखी है क्योंकि हम शेरपास को यहाँ लेके गए थे रणकपुर और कुंभलगढ़ जो उन्होंने भी देखा। और इसके जो आर्किटेक्चर और जो नेचुरल ब्यूटी का जो उदयपुर में समावेश है उसको उन्होंने काफ़ी खूबसूरत बताया और यूनिक बताया। और हो सकता है आने वाले दिनों में कभी दोबारा इस तरफ यात्रा भी करें। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development, familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day.
equipped, good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। आगामी दिनों में होने वाले त्योहार के मद्देनजर शहर के विभिन्न थानों में सीएलजी की बैठक आयोजित की गई और शहर में शांति और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई। इसी क्रम में शुक्रवार को सूरजपुर थाने में बैठक हुई। इस बैठक के सभी सीएलजी मेंबर सहित अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा ने मेंबर की बैठक कर वार्ता की। बैठक में सभी मेंबर्स ने अपने अपने सुझाव दिए। वहीं पुलिस ने सभी लोगों से आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली और धुलंडी बनाने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें, अगर कहीं कुछ गलत दिखता है तो थाने पर सूचना दें। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ। पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट, 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरणमगरी सेक्टर 5 मेन रोड, उदयपुर। पुलिस थाना कोतवाली द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी हुई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। भावेश जैन पिता धनपाल जैन ने रिपोर्ट देकर पुलिस को बताया था कि उसके मकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए सीसीटीवी कैमरा तकनीक और परंपरागत पुलिसिंग मुखबिर तंत्रों के सहयोग से घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए चोरी की गई मोटरसाइकिल को कब्जे से बरामद किया है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गिड्स, योर पाथवे टू ब्राइट फ्यूचर। एक्सपीरियंस अ न्यू एरा इन टेक्निकल एजुकेशन। Building excellence for building a future. Geetanjali Institute of Technical Studies. Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. पिता की हत्या के आरोप में पुत्र गिरफ्तार, सरदर्द से मुक्ति दिलाने के लिए उतार दिया मौत के घाट। होली पर्व की तैयारियों में जुटा शहर, रविवार 11:23 पर होगा होलिका दहन, सोमवार को मनाएंगे धुलंडी। ज्वेलरी व्यवसायी से लूट और हत्या मामले में हुए नए खुलासे, दो आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। और 67 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए News 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, USFDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं News 91। News 91, आवाज हम सबकी।